आवाज नहीं आ रही। हम मना देंगे, जा सबके साथ खड़े हम मना देंगे। कहाँ खराब हो गया, लगा दिया सामान हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आपने देखा, एक पन्नी में जलेबी और एक पन्नी में जो है गिफ्ट रखे थे बच्चों के, और मैं जा रही हूँ गांव में कन्या खिलाने के लिए। और हस्बैंड और बड़ा बेटा मेरे साथ हैं, और हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं, छोटा और बड़ा बेटा जो है आगे बैठा हुआ है। तो हम देखिए जो है थोड़ी कच्ची कच्ची रास्ता से पहुंचने वाले हैं कन्या के घर पे। तो यहाँ पे इस घर पे मुझे कन्या खिलानी है, कन्याओं के बैठने का इंतज़ाम हो रहा है। हम जो है हमारा जो दूध आता है वो इसी घर से आता है, तो हम यहीं कन्या खिला रहे हैं कई बार से। तो यहाँ पे सारी कन्याएं मुझे मिल जाती हैं, और मैं जो है जितना भी पूजा का सामान जो लगता है कन्या खिलाने से पहले वो मैं लेके आ रही हूँ, और सारी व्यवस्था कर रही हूँ जो भी जो जो ज़रूरी है। कुछ सामान मैं घर में भी भूला ही जल्दी जल्दी के चक्कर में। और ये देखिए हमारी कन्याएं आ रही हैं धीरे धीरे। तो एक ही घर मुझे सारी कन्याएं मिल जाती हैं, तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे भी सरलता हो जाती है। और इन कन्याओं को मैं यहाँ पर आराम से भोजन भी करवा देती हूँ। भोजन मैंने नहीं बनाया, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, तो मैं बच्चियों को दही और जलेबी खिला रही हूँ। बच्चियों के मैं चरण जो है धुल रही हूँ, हाथ धुल रही हूँ और पैर धुल रही हूँ। उसके बाद उनको कह रही हूँ कि आप अपने स्थान पर बैठ जाओ, पहले आप हाथ और पैर धुल लो। तो ये देखिए मैं हाथ पैर धुला रही हूँ, सबसे छोटी सी प्यारी सी कन्या है, बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी। तो जितनी भी कन्याएं थी मैंने उनके चरण धो दिए, हाथ धो दिए, और अब वो जो है क्या नाम पूजा और जो है भोजन करने के लिए तैयार हैं। अब मैं एक एक करके सारी कन्याओं के टीका लगा रही हूँ, मैं टीका कर रही हूँ एक एक कन्या के, धीरे धीरे करते जा रही हूँ। और देखिए सब प्यारी प्यारी छोटी छोटी कन्याएं हैं, तो आप सभी बोलिए जय माता दी। और ये हमारे जो है क्या कहते हैं आम भाषा में बोलते हैं लंगूर लड़का, मतलब जो एक लगता है पूजा में वो बैठा हुआ है। तो अब मैं छोटी सी अग्यारी करूँगी माता रानी की और पूजा करूँगी। ये देखिए मैंने धूप जला ली, दीप जला लिया, और अब जो है आरती होने जा रही है, और जो है क्या नाम और मैंने कपूर से अग्यारी शुरू कर दी है। और जो मैं लेके आई हूँ यानी दही जली भी, उसी का मैं भोग लगाऊँगी, वही मैं कन्याओं को खिलाऊँगी। कन्याओं का भोग मैं धीरे धीरे करके निकालती जा रही हूँ, और जो है ये देखे धीरे धीरे मैं कन्याओं को जो है एक एक करके उनका जो भोजन है वो देती जा रही हूँ। कन्याएं अपने साथ अपनी थाली और जो है गिलास लेके आती हैं ये जो है बच्चियाँ अपना अपना जो अपनी जो भोजन थाली है वो लेके आती हैं, और इसी में मैं परोस देती हूँ। उसके बाद जब पूजा समाप्त हो जाती है तो ये अपनी थालियाँ और अपना प्रसाद घर भी ले जाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा है, वरना हमको अलग से देना पड़ता है। तो मुझे तो यहाँ खिलाना बहुत सही लगता है, तो मैं यहीं कंटिन्यू यहीं खिलाती हूँ, और जो है यहाँ पे सारी कन्या भी मुझे आराम से मिल जाती हैं। पूरे दिन से कन्याएं भोजन करती रहती हैं हर घर में, तो जो है नवमी की पूजा होती है, नवदुर्गा स्थापित की जाती हैं और व्रत भी लिए जाते हैं, तो कन्याएं तो हर घर में लगभग खिलाई जाती हैं, कन्या पूजन होता है। तो इसीलिए पूरे दिन से भोजन करने के पश्चात जो है कन्याएं ज़्यादा नहीं खा पाती हैं। भाई हम भी हैं, हम एक जगह दो जगह खा पाएंगे फिर नहीं, इसलिए बेचारी थोड़ा थोड़ा खा रही हैं, बस भोग लगा दिया उन्होंने माताओं ने बस हमारे भोजन पर।
बस यही हो पाया है, और ज़्यादातर यही हो ही पाता है जो पहले या दूसरे घर में जहाँ कन्या खाई जाती हैं, जहाँ खिलाई जाती हैं, मतलब कन्याओं का जो पूजन होता है, पहला भोजन उन्हें प्राप्त होता है, वही वो मन से खा पाती हैं। क्योंकि हम लोग भी अपना बचपन अगर याद करें तो ऐसे ही होता था कि जब हम लोग पहले या दूसरे घर में जाते थे तो बड़े मन से खाना खाते थे, जो भी मिलता था हमें, चाहे वो दही जलेबी मिले या पूड़ी छोले मिले या जो भी बनता है, तो वो हम बड़े मन से खाते थे। और उसके बाद हमारा पेट जब भर जाता था तो बस हम लोग फॉर्मेलिटी करते थे कि हाँ हमें भोग लगाना है और बस जो है क्या कहते हैं पूजा करानी है। तो उसी प्रकार से बस यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा कन्याओं ने मेरी भोग लगाया है, थोड़ा थोड़ा सा खाया है, बाकी ज़्यादा नहीं खा पाई थी क्योंकि मुझे थोड़ी लेट लेट भी हो गया था थोड़ा सा। आई थिंक मुझे 10:30 बज गए थे, तो 10:30-11 के टाइम हो गया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कन्याओं ने भोजन नहीं किया। बट ठीक है माता रानी, आप लोगों ने जो है थोड़ा बहुत भी किया वही बहुत है मेरे लिए। तो माता रानी भाई सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, मेरे परिवार पर भी बनाए रखे। तो माता रानी की जय हो। इसके पश्चात मैंने कहा कि आप भी आ जाइए हस्बैंड को अपने, और आप भी थोड़ा सा जो है कन्याओं को भोजन करवा दीजिए। हम दोनों ने मिलकर कन्या पूजन किया, और अब जो है मेरे पति देव जो है वो भी जो है जलेबी जो है परस रहे हैं, यानी दोबारा भोग लगाना कहते हैं ना इसको, कि दोहराया जाता है, तो वही दोहराने का कार्यक्रम मेरे पति देव कर रहे हैं, उन्हें भी पुण्य प्राप्त होना चाहिए तो इसलिए मैं उनसे भी करवा रही हूँ। आए हैं हम लोग, साथी हैं, तो हर चीज़ में साथ देना है बनता है, तो मैं पूजा में भी उनका सहयोग ले रही हूँ। और अब मैं अपने बड़े बेटे के पास बैठी हुई हूँ, मतलब थोड़ा सा इधर से साइड से हूँ, और ये देखिए हमारे बड़े सुपुत्र भी जो है जलेबी का मजा ले रहे हैं, वो भी खा रहा है। ये सबसे छोटी और सबसे क्यूट माता रानी है हमारी, ये देखिए खा रही हैं। पहले छुआ लेना तो। हाँ पहले पीछे खड़ी है। अरे मेरे मत से। नहीं, उसके नहीं है। अरे मेरे नहीं करना है। मैं लड़की नहीं हूँ, लड़का हूँ मैं तो। अपने छुए सब तो गिफ्ट दे रहा है। मम्मा मुझे भी एक गिफ्ट चाहिए। मुझे भी उसमें फेंक दिया बच्ची। अब जय माता दी बोलेंगे। कन्या पूजन मैंने कर दिया, और कन्याओं को जब गिफ्ट दिया तो कन्याओं की खुशी आप देख सकते हैं। तो जो है मतलब जो पैसे है वो तो देना बहुत ही अच्छा होता है, पर अगर गिफ्ट दिया जाता है तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और मैंने उनका उनके यूज़ की चीज़ दी है इसमें, इसमें लंच बॉक्स है, तो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो जय माता रानी, बस फिर से आप आओ, फिर से आपका स्वागत करें हम, फिर से नवरात्रि की पूजा करें। तो जय माता दी, बहुत ही अच्छे से जो है कन्या पूजन हो गया। जय माता।